बिहार के हाजीपुर में पुलिस ने नाबालिग छात्रा की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने एक महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने छात्रा की साइकिल और स्कूल बैग भी बरामद कर ली है। वैशाली जिले के महनार करनौती में 10वीं कक्षा की छात्रा के मर्डर से सनसनी फैल गई थी। इस मामले को लेकर इलाके में जहां लोग बवाल मचा रहे थे, वहीं इस मामले पर सियासत भी गरमा रही थी। पुलिस ने 7 दिन बाद इस हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए एक महिला समेत 5 लोगों को पकड़ा है। वैशाली के पुलिस अधीक्षक मनीष ने बताया कि जब बच्ची साइकिल से बाहर जा रही थी तो 4-5 लोगों ने पहले से ही नियोजित तरीके से उसको पकड़ा था, फिर उसे गमछे से बांध कर ले गए और घटना को अंजाम दिया। पता चला कि आरोपी दशरथ मांझी पहले भी जेल जा चुका है। इसकी ख्याति आसपास भी अच्छी नहीं है। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस कांड को रचा था। लड़की के साथ रेप के सवाल पर SP मनीष ने कहा कि मेडिकल बोर्ड से इस बारे में पूछा गया था, उनके अनुसार सेक्सुअल असॉल्ट के फीचर नहीं पाए गए थे। जब बच्ची बाहर जा रही थी साइकिल से तो 4-5 लोगों ने पूर्व नियोजित इसको घटनाक्रम को मानते हुए उसको पकड़ा था, फिर उसके साथ उसको जब पकड़ के लेके जा रहे थे गमछे से उसको बांधा और उसके बाद में इस घटना को अंजाम दिया जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। जो बात सामने आ रही है कि इस व्यक्ति जो है दशरथ मांझी, ये पहले भी जेल जा चुका है। इसकी ख्याति आसपास में अच्छी नहीं थी एवं इसकी अन्य अन्य बातें भी हैं जो कि अनुसंधान क्रम में चल रही हैं। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर के इस प्लान को रचा था, ये फोकस रखता था कि बच्ची किस टाइम आती जाती है, उसके बाद इसने घटना को अंजाम दिया। मेडिकल बोर्ड से इस बंद में पूछा गया था, उनके अनुसार सेक्सुअल असॉल्ट के फीचर्स नहीं पाए गए। दरअसल इस सनसनीखेज वारदात को कुछ मनचलों ने अंजाम दिया था। उन्होंने छात्रा को अगवा कर रेप की कोशिश की थी। रेप में नाकाम होने के बाद आरोपियों ने छात्रा की हत्या कर दी थी। इसके बाद लड़की की लाश को पोखर में फेंक दिया था। रेप की कोशिश और हत्या में शामिल 4 आरोपियों सहित पुलिस ने एक महिला को भी गिरफ्तार किया है, जिसने छात्रा की साइकिल गायब करने का काम किया था। बता दें कि बीती 14 सितंबर को नाबालिग लड़की अपने घर से कोचिंग जाने के लिए साइकिल से निकली थी। इसके बाद वो छात्रा गायब हो गई थी। अगले दिन उसके घर के पास ही पोखर से छात्रा की लाश बरामद हुई थी। अपहरण और हत्या के इस मामले को लेकर बिहार में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। ये थी हाजीपुर से संदीप आनंद की रिपोर्ट, बिहार का।